हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट। शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एल्जेब्रा टाइप 4 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। पीछे हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 31 नंबर क्वेश्चन देखे। और ये क्वेश्चन करने से पहले आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, ठीक है, नहीं तो आगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, देन फाइंड एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का क्यूब होल क्यूब, ठीक है। तो देखो, आप पूरे x माइनस 1 को क्यूब मान a मान लो, यानी ए क्यू इसको b मान लो, बी क्यू प्लस सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो, 0। अब देखो, x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। अब देखो, अगर मैं ए प्लस इसको ए मान रखा है, इसको बी मान रखा है, इसको सी मान रखा है, अब ये किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं जोड़ता हूँ, एक्स माइनस 1 वाई माइनस, यानी ए प्लस बी प्लस सी, 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं दोनों तीनों जोड़ता हूँ, एक्स माइनस 2 जेड माइनस 3, तो देखो क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 6, 1 3 3 और 3 6, ठीक है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है आपको, 3 6 दे रखा है, और 6 माइनस 6 कितना होता है, 0। क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या फॉर्मूला आ गया, जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3abc। तो 3, अब देखो निकालना क्या है हमें, ए क्यू यानी एक्स माइनस 1 का क्यूब बी क्यू सी क्यू, तो क्या होगा, 3abc। तो 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2 और जेड माइनस 3, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब देखो एक्स प्लस 32 नंबर क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। और निकालना आपको एक्स की पावर 72 प्लस एक्स की पावर 66 प्लस एक्स की पावर 54 प्लस एक्स की पावर 36, ठीक है, 36 प्लस एक्स की पावर क्या दे रखा है भैया, एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1। जब कभी भी मैंने बताया था आपको एक्स प्लस 1 बाई एक्स इजल टू रूट 3 दे रखा हो, तो इसमें क्या होता है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। तो ये होता है, ठीक है, पहले समझाया था, ठीक है। तो अब यही तो बात है, ये स्क्वेयर इस साइड में आके क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने बताया था अभी यहाँ पर 6 का अंतर हो, 6 का अंतर हो, तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसमें, देखो इसको तोड़ो, एक्स की पावर ये तो 0 हो गया। अब देखो एक्स की पावर 54 किस में टूट सकता है, 6 नीम 54 इसमें टूट सकता है, और प्लस ये किस में, एक्स की पावर 6 × 6 प्लस एक्स की पावर 6 × 4 प्लस एक्स की पावर 6 + 1, ये वैल्यू क्या होगी, ये तो 0 ही होगी, ठीक है। तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 6 + -1 की पावर 4। अब देखो ये पावर ओड है तो आंसर क्या होगा, 1 -1 प्लस पावर इवन है तो इवन,
और ये भी इवन, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। देखो 6 का अंतर 0 0 12 8 18 में कितने का अंतर, 6 का अंतर 0 और ये भी 0, तो 0 क्या होगा इसका आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पता है क्या, वैसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला वगैरह खोलेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना, सभी की वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 माननी है। तो अब देखो अगर अगर आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 1 1 माननी, एक्स देखो एक्स कितने नंबर क्वेश्चन है, ये 34 नंबर क्वेश्चन, देखो एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या मान ली, 1। तो अब देखो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पावर क्या है, होल क्यूब है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 की क्यूब, अब देखो क्या कह रहा है आगे, माइनस 1, देखो सेकंड वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 की क्यूब, अगला 1 प्लस 1 माइनस 1 की क्यूब, इससे अगला सेम है 1 प्लस 1 माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 3 की पावर 3 27 माइनस, अब देखो इससे ये कट गया तो 1 की पावर 1, इससे ये कट गया तो 1 की पावर 1, 1 की पावर क्यूब 1 होता है, और माइनस इससे ये कट जाएगा तो क्या होगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ से 24 27 माइनस 3 कितना हो गया, 24 आ गया। अब किस ऑप्शन से देखो 24 आ रहा है, तो सभी की वैल्यू 1 1 थी, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, 1 1 2 1 यानी 24 × 1 × 1 × 1, तो क्या होगा 24, इसका क्या होगा आंसर 24 XYZ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है आपसे ए की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई और सी की वैल्यू एक्स प्लस 2y, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए क्या है, ए क्या दे रखे है आपका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस बी क्या दे रखा है, क्या कहाँ गया, ये रहा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, तो इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर, प्लस बी क्या दे रखा है एक्स माइनस वाई, वाई वाई दे रखा है, ठीक है अच्छा, और माइनस सी क्या दे रखा है एक्स प्लस 2y, आ गया ये रहा एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इसका पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस अब क्या क्या है सी, सी क्या है हमारा एक्स प्लस 2y माइनस ए क्या है एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है क्या दे रखा है इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया फॉर्मूले में रख दिया, अब देखो 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस का वाई, अच्छा ये क्या दे रखा है एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है ये x प्लस 2y
माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, और यहाँ भी एक्स से एक्स कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका भाई, वाई वाई वाई, टू वाई, टू वाई का स्क्वायर करोगे वन बाई टू, टू वाई और वाई, टू वाई, टू वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा फोर वाई स्क्वायर प्लस, अभी से कट गया तो माइनस वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई का स्क्वायर करोगे तो नाइन वाई स्क्वायर प्लस। अब देखो ये कितना आ गया, दो वाई में से एक वाई गया वाई, तो वाई का स्क्वायर तो वाई होता है, तो ये देखो वन बाई टू, नौ और चार तेरह और एक चौदह, चौदह वाई स्क्वायर, दो सत्ते चौदह, तो आंसर क्या आ गया सेवन वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है सेवन वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा, देखो ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इससे अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है पंद्रह, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है। अब निकालना हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पहले तो फॉर्मूला होता है आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी वन बाई टू ए माइनस बी का, ये भी लगाने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, चाहिए कर लो माइनस कॉमन, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास ये चीज़ है 15 और ये भी चीज़ है 83, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू इंटू ए बी बी सी सी ए, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, ये क्या दे रखा है आपको, पंद्रह, पंद्रह स्क्वायर कितना होता है 225, ये कितना होता है 83 है ठीक है, ये इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस, और देखो टू इंटू ए बी बी सी सी ए। अब देखो ये कितना बच गया, अब इसमें 83 माइनस करोगे तो कितना होगा, पाँच में से तीन का दो, पाँच में तीन का दो, बारह में से आठ गया चार और एक, ठीक है 142 आ गया 142। तो अब देखो अब हमें तो क्या चाहिए ए बी बी सी प्लस सी ए, तो क्या होगा ये दो इस साइड में जाके कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 71, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 71। तो यही तो बात थी, 15 तो था 83 भी था लेकिन 71 चाहिए था ठीक है, माइनस ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो गया 15 इंटू 83 में से 71 गया 12, तो आंसर कितना हो गया 180, तो 180 इसका क्या होगा आंसर ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो एक बार, देखो 180 इसका क्या होगा आंसर, 39 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 333, दोनों की सेम वैल्यू है, जेड की वैल्यू दे रखी है 334, तो ये निकालना हमें, तो आप ही बताओ इसको, ये क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है भाई, अभी अभी बताया था लेकिन आपको ही निकालना, मैं नहीं निकाल रहा इसको ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी वन बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें पुट करना सिर्फ और कुछ नहीं करना ठीक है,
तो ये आपको निकालना है 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ही निकालना है। अब देखो इसमें देखो, ये तो दे दिया लेकिन ये सारे प्लस के हैं, लेकिन जो पूछ रखा है वो देखो क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ABC, देखते ही पता चलता है जीरो। लेकिन उसमें क्या होता था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसमें क्या कर रखा है कि ए प्लस माइनस का बी ले रखा है प्लस माइनस का ही सी ले रखा है, ठीक है, वो जीरो करना, वो जीरो है, ठीक है, ये ऐसे ले रखा है तभी तो ये माइनस आया यहाँ पर, नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, कर लोगे। अब देखो तो इसी तरह क्या होगा, ये ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो ये क्या दे रखा था, फोर पॉइंट, क्या दे रखा था ये, 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622, ये दे रखा है। तो ये इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये सेम आ जाएगी वैल्यू, 965 माइनस 4965, तो ये क्या हो जाएगा, 65, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ABC क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3, ये दे रखा है, ठीक है। निकालना आपको एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27xyz, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, जब इस तरह से 1/3 पावर दिखे तो क्या करना आपको, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। अब इसका क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो इससे एक हट जाएगा तो एक्स आ जाएगा, इससे वाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3xy, तो 3 × xy यानी कि इसकी पावर 1y 1/3 और y की पावर 1/3, और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या दे रखा था, z की पावर 1/3 दे रखा था, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई तो यही था ना, x 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू जेड, तो x प्लस वाई तो यही था, ठीक है। अब देखो और इसकी करोगे तो क्या होगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्यूब कट जाएगा। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी 3, अब ये देखो इसको पूरे को एक्स वाई जेड की पावर 1/3 कर सकते हो, क्योंकि ये 1/3 सब की है तो, और मल्टीप्लाई में है तो ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू जेड। तो अब देखो ये जेड इस साइड में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस का जेड, और ये इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई जेड की पावर 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड। फिर दोबारा से इसको हटाने के लिए क्यूबिक बोथ साइड, तो ये क्या होगा, अब इसका क्यूब करोगे आप तो ये तुम 27 माइनस 27, और इससे ये कट जाएगा तो एक्स वाई जेड, अब ये इस साइड में आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड किया क्यूब प्लस 27 एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, जीरो। तो जीरो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, 43 क्वेश्चन नंबर आपको करना है, 44 देखो एक बार, 44 नंबर क्वेश्चन देखो, ए की पावर दे रखी है, बी की पावर दे रखी है। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला बताया था आपसे, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इससे तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 25, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 10 और इसके बटे में 2। 25, 15, 40 और 10 50, 50 बटा 2 कितना आंसर आएगा, 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या कह रहा है भाई, फाइंड द रिलेशन ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। अब देखो मैंने क्या बताया था भाई, जब ए प्लस बी प्लस सी इजल टू जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस इजल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजल टू क्या होगा, 3abc। अब देखो ये दे रखे आपको ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 सी की पावर, रुको भाई पेन बदल लेता हूँ, सी की पावर 1/3 इजल टू जीरो दे रखा है। अब इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो पूरे को, तो ये क्या है, जीरो दे रखा है। तो क्या होगा भाई, ए क्यू भाई ए क्यू, तो ए क्यू हमारा ए क्या है 1/3, इसका ए क्यू 1/3 बी क्यू सी की पावर 1/3 सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, जीरो। तो ये माइनस 3abc जीरो होता है, तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 और सी की पावर 1/3 abc हो गया। अब देखो अब ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इजिक्वल टू ये क्या होगा, 3abc की पावर 1/3 ये होगा, ठीक है। अब देखो एक, अब इसको इसको ख़त्म करने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, अब इसका क्यूब करोगे आप, इसका क्यूब करते हो तो ये तो ये कट जाएगा और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 27abc। तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर है कितना होगा, 27abc, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।